और साथियों, आज मैं आपका विजिट करवाना चाहता हूँ आपको पाकिस्तान म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री का, यानी कि पाकिस्तान के अंदर जो भी हैबिटेट मौजूद है या यहाँ की जो यहाँ के रॉक्स है, यहाँ का एरिया है, उस तमाम को प्रॉपर अंदाज से उसके सैंपल्स को यहाँ पर प्रिजर्व किया गया है। और इसके अलावा मेरे पीछे एक ब्लू वेल नज़र आ रहा होगा, ये 1967 में पसनी में दरियाफ्त हुआ था। और ये इस ब्लू वेल की स्टफिंग तो नहीं की गई, अमूमन पाकिस्तान म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री में जानवरों की स्टफिंग की जाती है, लेकिन इसकी इसका जो स्केलेटन है इसको प्रॉपर अंदाज से प्रिजर्व किया गया है। तो ये पाकिस्तान की जो नेचुरल हिस्ट्री है उसकी तारीख को प्रिजर्व करता है ये इदारा। और इस इदारे की चार डिविजन्स हैं, इन चारों डिविजन्स में मुख्तलिफ जो हैबिटेट है उसको प्रिजर्व किया जाता है। इसमें सियाचिन के ग्लेशियर्स से लेकर के समुद्रों की गहराइयों तक, यानी कि मरीन बायोलॉजी तक को प्रिजर्व किया जाता है। यहाँ पर रिसर्च भी होती है, यहाँ पर तहकीकाती मकाले भी लिखे जाते हैं, और इस तरह के इदारों का पूरे मुल्क में होना लाजमी है। ये वाहिद इदारा है जो फेडरल लेवल पर कायम किया गया है, और इस इदारे में बड़ी तादाद में बच्चे जब छुट्टियाँ होती हैं तो स्टडी विजिट्स के लिए आते हैं, और एक बहुत बेहतरीन एक्सपीरियंशियल लर्निंग जिसे कहते हैं, बच्चों को तालीम हासिल करने में बहुत आसानी हो जाती है जब वो बच्चे रियल लाइफ रियल सिचुएशन में स्टफ्ड जानवर देखते हैं, रॉक्स देखते हैं, ग्लेशियर्स देखते हैं, जंगलात देखते हैं, और ज़ेर समंदर जो भी मरीन है, मरीन लाइफ है उसको देखते हैं, तो वो उससे महसूस भी होते हैं, साथ उनकी लर्निंग भी होती है। इसके अलावा इसका एक सेक्शन ये भी है कि डायनासोर्स को भी इन्होंने उनके मॉडल्स बना के डेवलप करके रखे हैं, और उन डायनासोर्स को बच्चे देखकर बड़े खुश हो जाते हैं, क्योंकि उस दुनिया के हवाले से, उस दौर की दुनिया के हवाले से बच्चों को पहले से आगे ही मौजूद है, लेकिन यहाँ आके इन मॉडल्स को देख के बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। आए, मैं आज आपको पाकिस्तान म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री का विजिट करवाता हूँ, इसके अंदर जो डिविजन्स हैं, जो डिपार्टमेंट्स हैं, उनका विजिट करवाता हूँ। यहाँ पर डिस्प्ले में क्या क्या जानवर, क्या क्या हशरातुल अर्ज और क्या क्या रॉक्स, क्या क्या मिनरल्स, क्या क्या जम्स रखे गए हैं, उन तमाम के बारे में हम जानेंगे चलकर, और तफसीलात मालूम करेंगे कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। इस इदारे में कितने डिविजन्स हैं और यहाँ क्या क्या चीज़ें रखी गई हैं? जी, पाकिस्तान म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री में आपका वेलकम है। पाकिस्तान म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री में बेसिकली चार सेक्शंस हैं, जो रिसर्च के सेंटर्स सेक्शंस हैं वो बॉटनी, जूलॉजी और जियोलॉजी हैं, जबकि एक सेक्शन हमारा है जो कि अर्थ डिस्प्ले गैलरीज वगैरह को करता है, उसको हम पब्लिक सर्विस डिवीज़न कहते हैं। आपने देखा होगा जो सारी गैलरीज हैं वो पब्लिक सर्विस डिवीज़न के अंदर आती हैं, बाकी यहाँ पर जो बाकी जो सेक्शंस हैं वहाँ पर हमारी रिसर्च की एक्टिविटीज़ चल रही होती हैं। अच्छा, मेरा साहब मुझे ये बताएं कि पीछे जो मॉनिटर्स लगे हुए हैं तो ये क्या है, ये जो कोई वर्चुअल डिस्प्ले है? ये वर्चुअल डिस्प्ले है, मुख्तलिफ जो हमने जो गैलरी में डिस्प्ले की जाती है उसमें पहले एक लोगों को इंफॉर्मेशन देने के लिए एक हमने वीडियो बनाई है, जिसमें लोग पहले आके उसको विजिट करते हैं कि कहाँ कहाँ किस किस गैलरी में जाना है और उसमें क्या क्या चीज़ें रखी हुई हैं और किस रास्ते से हमें जाना है, किस से इन होना है, किस से आउट होना है। इस साइड पे जो रखे हुए हैं वो मुख्तलिफ जो हमारे के कलेक्शन है, जो बाहर के जो लोग आते हैं देखने के लिए कि इस म्यूज़ियम में कौन कौन सी कलेक्शन मौजूद है। यहाँ पे तीन किस्म की कलेक्शन मौजूद है, एक प्लांट्स की, एनिमल्स की और रॉक्स की, जो मुख्तलिफ एरिया से हम लेके उसकी डेटा इसमें डाल लेते हैं। इसमें पिक्चर भी मौजूद है, वीडियो भी मौजूद है, ताकि कोई लोग आए उसको देखे करे कि ये किस जगह की है और वीडियो में क्या क्या चीज़ें उन्होंने बताई हुई है। ये एटॉमिक बम का एक जो हिरोशिमा में और नागासाकी में हुआ था, तो उसकी ज़मीन की चेंजिंग और उसमें मिनरल में जो चेंजिंग आई हुई है, तो जो हमारे अर्थ से रिलेटेड है, तो उसके हवाले से ये पत्थर लगाया गया है ताकि लोगों को हम सही गाइड कर सकें। ये जापान गवर्नमेंट की तरफ से गिफ्ट हुआ है इस इदारे को? जी हाँ, गिफ्ट के तौर पे उन्होंने दिया था। उसमें जो उन्होंने कुछ अपनी जो कल्चरली तौर पे जो उसमें उन्होंने कुछ उनमें एक हाईलाइट किया है ताकि लोगों को पता चले कि ये वहाँ से उन्होंने उसको डोनेट या गिफ्ट मिली, तो उसके हवाले से जो
चेयरमैन साहब, ये जो डिस्प्ले है यहाँ पर क्रोकोडाइल का डिस्प्ले है, ये कहाँ का क्रोकोडाइल है और ये इसकी जो स्टफिंग जो की गई है ये किस अंदाज से की गई है? ये जो पाकिस्तान से जो सिंध का एक इलाका है वहाँ से इनको कलेक्ट किया गया था, इसकी स्टंप ओरिजिनल है और ये सबसे बड़ा तो जो कि मगरमच्छ इस क्रोकोडाइल कहते हैं, जिसका एक जो सबसे ज़्यादा बड़े होने की वजह से उनका परसेंटेज ने मुख्तलिफ नाम रख दिया एलिगेटर्स, जो सबसे बड़ा जो है एलिगेटर जो पाकिस्तान में पाया जाता है, जो सिंध का एक इलाका है जो मनचक झील में जो मगरमच्छ है, तो वहाँ से इसको कलेक्ट किया गया था जो कि वहाँ पे डिस्प्ले किया गया ताकि लोगों को पता चले कि यहाँ पे कितनी साइज का जो है वो मगरमच्छ एलिगेटर मिलता है। ब्लाइंड डॉल्फिन भी मौजूद है, तो ब्लाइंड डॉल्फिन के हवाले से बताएं, इसकी भी आपने स्टफिंग करी, बड़े बेहतर अंदाज से इसको डिस्प्ले पे रखा हुआ है। ये भी ओरिजिनल स्टफ है, ये हमारे डिपार्टमेंट स्पेशल है जो इसको स्टफ करती है, ये हमें इंडस जो है रिवर वहाँ से जो ब्लाइंड डॉल्फिन हमें मिली तो वो कलेक्ट करके ले आए ताकि लोगों को बता सकें कि वहाँ पर जो ब्लाइंड डॉल्फिन मिलती है जो रिवर इंडस में। हमने देखा है कि पाकिस्तान में जो यूथ है पर्टिकुलरली जो बच्चे हैं स्कूलों के, वो बड़ी तादाद में यहाँ पर आते हैं, यहाँ एंटरटेन भी होते हैं साथ साथ लर्निंग भी होती है, तो लर्निंग का क्या क्या मवाद आपके पास मौजूद है? हमारे पास बेसिकली हम लोग कंजर्वेशन के ऊपर काम करते हैं और उसके अलावा जो एक मैंडेट हमारे म्यूजियम का वो एजुकेशन है, इनफॉर्मल एजुकेशन है। आप देखा होगा जो बच्चे किताबों में देखते हैं पढ़ते हैं और उनका उसका प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होता, तो हमारे पास सारी गैलरीज में डिफरेंट एनिमल्स है, डिफरेंट हैबिटेट के बारे में उनको बताया जाता है। उसके अलावा जो ह्यूमन इम्पैक्ट है ऑन क्लाइमेट उसको हम डिस्कस करते हैं, क्लाइमेट चेंज के ऊपर है। उसके अलावा जैसे इंपॉर्टेंट जेम्स हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स हैं, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है जो वो साइंस की बुक्स में पढ़ते हैं मगर हमारे पास उनके प्रैक्टिकली उनके डिस्प्लेस हैं जिसको देखते हैं। उसके अलावा हम लोग डिफरेंट बच्चों के लिए इवेंट्स एक्टिविटीज़ करवाते हैं, जैसे वो खास दिन होते हैं जैसे बायोडाइवर्सिटी डे होता है, आर्ट डे होता है, उस पर हम इनके लिए फोटोग्राफिक एग्जीबिशन या कॉम्पिटिशन करवाते हैं, स्पीच कॉम्पिटिशन करवाते हैं। उसके अलावा हम छोटे मोटे लेक्चर्स वगैरह अरेंज करते हैं, तो बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन का हब है। एक हम लोग आजकल लैब्स भी बना रहे हैं, स्टेम रिलेटेड लैब्स होंगे, वहाँ पे बच्चे छोटे मोटे एक्सपेरिमेंट भी कर सकेंगे, वो भी हमारा कोई है। ये जो पहली गैलरी है इसके बारे में बता दीजिएगा सर, ये इसमें क्या क्या रखा हुआ डिस्प्ले पे और हमारे बैकग्राउंड पे क्या क्या चीज़ें इस वक्त मौजूद हैं? ये पहले मेरी गैलरी का मकसद ये है कि जो एंशिएंट लाइफ है, जो दुनिया से शुरुआत से होकर जो लाइफ जो मिली थी उससे लेके आज तक वो जितने भी मखलूक है उसके बारे में बताया गया है, जो अभी वो मखलूक मौजूद नहीं है जिसके फासिल की सूरत में हमने इसको रखा गया है ताकि हम लोगों को बता सकें कि ये उसी टाइम में जो बिलियन ईयर्स के हिसाब से उनकी एज है, जिसमें इंसान का भी आ जाता है, उसके अलावा दूसरी मखलूकात है जो समंदरी मखलूकात है, डायनासॉर्स हैं, बलोची थ्योरम है और मुख्तलिफ जो है बड़े बड़े दरख्त जो है जो प्लांट्स मौजूद थे उसी टाइम में वो वहाँ पर डिस्प्ले यहाँ पर डिस्प्ले किया गया है। इसमें एक टाइम स्केल दिया गया है जिसमें मुख्तलिफ एज के हिसाब से उनको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है ताकि लोगों को पता चल सके कि यहाँ पे जो फॉसिल्स रखे गए हैं कितने साल पुराने हैं। अच्छा, ये जो पीछे एक स्केलेटन है ये इसमें क्या है और उससे पीछे भी एक स्केलेटन है, ये दो स्केलेटन के बारे में बताएं। ये स्केलेटन जो है वो जू के लाहौर जू से कलेक्ट किए गए थे, इसका मकसद दिखाने का ये है कि आज कल और जो है एंशिएंट लाइफ थी उसमें क्या डिफरेंस है, उसमें जो फॉसिल्स बन गए या जो अभी ओरिजिनल जो बोन्स हैं उसमें किस तरह के वो हमें जो निशानियाँ मिलती हैं। जिस गैलरी में इस वक्त हम मौजूद हैं, ये इको गैलरी आपने नाम रखा है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं और बच्चों की इंटरेस्ट के लिए क्या चीज़ें मौजूद हैं? इसमें बच्चों के लिए मुख्तलिफ बेसिक जो है चीज़ें रखी गई हैं ताकि जो बच्चे हैं जो स्कूल में पढ़ते हैं इस वजह से हमने रखे ताकि ओरिजिनल चीज़ देखें ताकि उनको अंडरस्टैंडिंग हो सके कि ये चीज़ क्या है, स्टोन के बारे में, उसके अलावा प्लांट्स के बारे में भी, रॉक्स के हवाले से भी जो है उसमें भी जो चीज़ बनती है, मुख्तलिफ साइकिल्स रखी गई हैं
जो जो इस दुनिया में जो नाइट्रोजन कार्बन साइकिल वाटर साइकिल जो उसके इको सिस्टम को जो सही बरकरार रखती है। अच्छा मिरानी साहब, आपकी पुश्त पे जो चीज़ें हैं जिसमें हशरातुल अर्ज़ हैं, ये सिर्फ पाकिस्तान की कलेक्शन है या बाकी मानदा दुनिया से भी इकट्ठी की गई हैं? ये तकरीबन पाकिस्तान की कलेक्शन है, मुख्तलिफ एरिया में जाते हैं वो ले आते हैं। कुछ जो सैंपल्स हैं जो हुकूमत अखबार से उन्होंने कलेक्ट किए हैं, जो जहाँ पर चीज़ें नहीं पाई जाती हैं, ठीक है ना, मतलब कि 80% से ऊपर जो है वो सारी पाकिस्तान की कलेक्शन है, जो मुख्तलिफ इलाकों से ले के यहाँ से सिंध से बलोचिस्तान से मुख्तलिफ सूबों से कलेक्ट करके यहाँ पे रखी गई है, ताकि लोगों को पता चल सके कि यहाँ से कौन कौन से हमें इंसेक्ट जो मिलते हैं और वो किस लाइफ में रहते हैं। ऐसा भी होता है कि मुख्तलिफ जामियात से या स्कूलों से इस्लामाबाद के बाहर से बच्चे स्टडी टूर के लिए आते हों और आप लोगों से यहाँ आके नॉलेज हासिल करते हों? यहाँ पे हर रोज़ तकरीबन डिफरेंट कॉलेजेस से स्कूल यूनिवर्सिटी के विजिट्स आते हैं। उसके अलावा हमारे पास रिसर्च के स्टूडेंट्स भी आते हैं जो कि अपने एमफिल और पीएचडी के हेल्प के लिए हमारे पास आते हैं, और हम उनको प्रॉपरली गाइड करते हैं, हम लोग उनको सुपरवाइज भी करते हैं और उनकी जो इंटर्नशिप करवाते हैं और डिफरेंट एक्टिविटीज़ यहाँ पर चलती रहती हैं।